नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। बिहार में MLC चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको हम बता दें, 24 सीटों पर MLC चुनाव हुए, जिसके नतीजे जो हैं वो कल बीते शाम आ गए। सबसे ज़्यादा NDA ने सीट लाया है, NDA ने 13 सीट लाया है। तो वहीं अगर बात कर ले राजद की, तो राजद ने 6 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बात कर ले निर्दलीय के, तमाम जो कैंडिडेट है वो 4 सीटों पर विजयी किए हैं। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आपको हम बता दें, लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 24 सीटों पर हमारी जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो NDA ने सबसे ज़्यादा सीट ला के दिखाया है। वहीं बात कर ले NDA में, तो BJP के खाते में 7 सीट गई है, तो वहीं जदयू के खाते में 5 सीट गई। तो वहीं बात कर ले रालोसपा के खाते में 1 सीट गई है। वहीं राजद ने 6 सीट लाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 1 सीट लाया है। आपको बता दें, 4 सीट करीब निर्दलीय कैंडिडेट के खाते में गई है। जो निर्दलीय कैंडिडेट उतरे थे मैदान में, उन्होंने 4 सीट लाया है। आपको हम बताते हैं आंकड़ा, कौन कौन से सीट पर कौन कौन पार्टी के लोग MLC बने हैं। रीना यादव जदयू से नालंदा से परचम लहराया है। और बात कर ले गोपालगंज से, तो भाजपा के कैंडिडेट है राजीव सिंह, उन्होंने परचम लड़ाया है। मुजफ्फरपुर के जदयू से जो कैंडिडेट है वो दिनेश सिंह है, उन्होंने परचम अपना लड़ाया है। मोतिहारी की बात कर ले तो निर्दलीय कैंडिडेट है महेश्वर सिंह, उन्होंने अपना परचम लड़ाया है। वैशाली से रालोसपा के कैंडिडेट थे भूषण कुमार, उन्होंने परचम लड़ाया है। भागलपुर बांका की बात कर ले तो जदयू के कैंडिडेट थे विजय कुमार सिंह, उन्होंने विजय प्राप्त की है। औरंगाबाद की बात कर ले तो दिलीप कुमार सिंह है, भाजपा के कैंडिडेट है, उन्होंने जीत हासिल की है। भागलपुर बक्सर की बात कर ले तो राधा चरण सेठ हैं, जदयू के कैंडिडेट थे, उन्होंने परचम लड़ाया है। सारण की बात कर ले तो निर्दलीय प्रत्याशी थे सचिदानंद राय, उन्होंने परचम लड़ाया है। पटना से राजद के कैंडिडेट हैं कार्तिक कुमार, उन्होंने परचम लड़ाया है पटना से। सिवान की बात कर ले तो राजद के कैंडिडेट ने परचम लड़ाया है विनोद जसवाल हैं, जो कि सिवान से जीते हैं, राजद के कैंडिडेट हैं। नवादा की बात कर ले तो निर्दलीय कैंडिडेट हैं अशोक यादव, उन्होंने परचम लड़ाया है। समस्तीपुर से तरुण कुमार चौधरी हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने परचम लड़ाया है। पूर्णिया की बात कर ले तो दिलीप कुमार जायसवाल, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, NDA के कैंडिडेट हैं, उन्होंने परचम लड़ाया है। मुंगेर जमुई शेखपुरा अजय कुमार सिंह राजद के कैंडिडेट हैं। वहीं गया जहानाबाद अरवल की बात कर ले तो राजद के कैंडिडेट जो है रिंकू यादव, उन्होंने परचम लहराया है। वहीं बात कर ले तो रोहतास कैमूर की बात कर ले तो भाजपा के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, संतोष कुमार सिंह जिनका नाम है, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं दरभंगा की बात कर ले तो भाजपा के कैंडिडेट ने वहां भी अपना परचम लड़ाया है, सुनील चौधरी हैं, उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। सीतामढ़ी शिवहर की बात कर ले तो रेखा देवी हैं, जदयू की कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत वहां से हासिल की है। पश्चिम चंपारण की बात कर ले सौरभ कुमार हैं, राजद के कैंडिडेट हैं। लगातार राजद जो है वो अपना परचम लड़ाते दिख रही है, 6 सीटों पर राजद ने जीत हासिल की है। तो वहीं NDA के अगर बात कर ले तो करीब 13 सीट NDA के खाते में गए हैं। वहीं आपको हम बता दें कि बेगूसराय खगड़िया की बात कर ले तो राजीव कुमार कांग्रेस के खाते में बस 1 सीट गया है। कांग्रेस ने 1 जगह ही बस जीत पाई है, बेगूसराय खगड़िया में राजीव कुमार ने कांग्रेस से जीत पाई है। वहीं बात कर ले सहरसा मधेपुरा सुपौल डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो कि राजद के कैंडिडेट हैं, राजद ने, आपको फिर से एक बार बता दें, राजद ने 6 सीटों पर जीत पाई है। वहीं मधुबनी की बात कर ले तो अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत पाई है। कटिहार से बात कर ले तो अशोक अग्रवाल भाजपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत पाया है। देखिए, आपको हमने आंकड़ा बताया कहाँ कहाँ से कौन लोग जीते हैं, किन पार्टी के जो ने MLC कैंडिडेट हैं वो जीते हैं, आपको हमने बताया। देखिए, लगातार राजद परचम लड़ाते हुए दिख रही थी और जो आंकड़ा है वो आ गया है और आपके सामने हमने आंकड़ा बताया किस तरीके से। सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले तो भाजपा के खाते में सीट जो है वो गया है, NDA के खाते में सीट गया है। वहीं राजद दूसरे नंबर पर आई है, 6 सीट राजद को मिला है, तो वहीं भाजपा को 7 सीट मिला है। वहीं
5 सीट जदयू के खाते में गई है, वहीं बात कर ले एक सीट तो कांग्रेस के खाते में, वहीं रालोसपा के खाते में एक सीट गई है। 4 निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं इस बार एमएलसी के चुनाव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।